आज मैं आपको ये चार कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। मैंने इसमें चार कलर लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैंने 17 फंदे डाले हैं। और आपको अगर मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। 17 फंदे डाले हैं ये, और आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से फंदे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हम पहली सिलाई, ये पहला फंदा उतार लेंगे और ऐसे घुमा के लेंगे, और ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी देंगे, इसको हम पूरा उल्टा उल्टा। ये देखिए हमने पूरी सिलाई बुन ली और ये हमने दो फंदे छोड़ दिए, और ये वापस घुमा के ले लेंगे यहाँ, और ये हमारी, ये देखिए अब हम ये सिलाई पूरी सीधी सिलाई पूरी बुन लेंगे, जैसे ये वैसे पूरा बना लेंगे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए हमने पूरे फंदे बना लिए, अब ये लास्ट वाला फंदा हम एक तरफ से बीन लेते हैं और एक तरफ से उतार लेते हैं। अब हम ये फंदा उतार लेंगे और इसको ऐसे घुमा के ले लेंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, अब हम इसमें ये ब्लैक कलर लगा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे, इसको साथ में ही बीन लेंगे, इससे ये डोरमेट खुलेगा नहीं। और हम पूरी लाइन और उस बार हमने दो फंदे छोड़े थे, अब हमने दो फंदे और छोड़ दिए और इधर घुमा के ले लिए, इस तरह से हमारे ये येलो कलर के चार फंदे हो गए। ये देखिए येलो कलर के चार फंदे हैं। अब ये हमारी सीधी लाइन पूरी हम सीधी सीधी बीन लेंगे, ये देखिए हमने पूरी लाइन सीधी बीन ली, सीधी सिलाई हमारी जैसी रहती है वैसे ही बनाते हैं। ये देखिए हमने पूरा बीन, अब हम घुमा के फिर ले लेंगे। अब ये फंदा हम उतार लेंगे और इस लाइन को भी हम पूरा, ये अब हमारी दूसरी सिलाई है ये ब्लैक कलर से, और इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए ये लाइन हम पूरी ऐसे बना लेंगे और ये दो फंदे हम छोड़ देंगे। अब हमने ये दो फंदे ब्लैक कलर से छोड़ दिए, अब इसको घुमा के फिर ले लेंगे ऐसे, और ये हम सीधी सिलाई पे आ गए और सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे बीन लेंगे उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए हमने पूरी सिलाई बीन ली सीधी, अब हम फिर उल्टी सिलाई बनाएंगे सेम उसी तरह से, ये फंदा उतारेंगे और ऐसे घुमा के ले लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना तीसरा कलर लगाएंगे, ये हमने दो लाइन बीन ली, अब हम दो लाइन, अब ये अपना ये ब्लू कलर लगा रहे हैं, इसकी भी हम दो लाइनें बीनेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको भी साथ में बीनते हुए चल लेंगे, कितना ही छोड़ा है इस तरह से हमने इसको बीन लिया और पूरी लाइन ऐसे बीन लेंगे। ये देखिए उस बार हमने दो ब्लैक के छोड़े थे, अब दो फिर हो गए, तो ये हमारे चार फंदे, अब ये हमारे दो चार फंदे येलो कलर के हो गए और चार फंदे ब्लैक कलर के हो गए। हमें ये चार सेट छोड़ दिए और सीधी सिलाई पूरी वैसे ही बना लेंगे जैसी है। ये देखिए हमने दो सिलाई, अब हमने ये ब्लू कलर से बीन ली पूरी, और ये देखिए हमारी दो दो सिलाई हमने बीनी है, दो येलो से, दो ब्लैक से, दो ब्लू से,
अब हम रेड कलर लगाएंगे और ये फंदा उतार के और ऐसे घुमा के धागा ले लेंगे और फिर हम इस फंदे को बीनेंगे नहीं। अब यहाँ से मैं फिर रेड कलर लगा दूँगी, ये देखिए इस तरह से इसको भी साथ में हम बीन लेंगे, इससे हमारा डोरमेट भी साफ सुथरा लगता है और गांठ भी नहीं पड़ती है, बिना गांठ के हम इसको जोड़ देते हैं। उस बार हम अब ये देखिए हमारे ये दो, अब हमारे दो ब्लू के भी छूट गए, ब्लू कलर के हमने दो फंदे छोड़ दिए। अब इसको हम सेम इसी तरह से घुमा के ले लेंगे, ये देखिए घुमा के ले लिए। अब ये हमारी सीधी सिलाई, तो हम पूरा इसको सीधा बीन लेंगे, ये देखिए इस फंदे को थोड़ा टाइट करके रखेंगे। और ये देखिए अब हमारे हमने 17 फंदे डाले थे, दो दो के सेट में हमने छोड़ दिए सारे फंदे। अब ये फंदा उतारेंगे, इसे घुमा के लेंगे। अब हमारे ये लास्ट में तीन फंदे बचते हैं, ये देखिए अब ये दो का हमने एक छोड़ा रेड वाला और ये हमारे तीन फंदे बचे, इनको भी हम अब बीन लेंगे। ये देखिए हमारी एक कली, ये देखिए हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। अब हम सेम इसी तरह से दूसरी कली बनाएंगे, ये देखिए अब हम दूसरी कली करने के लिए इस धागे को इधर ही घुमा के छोड़ेंगे और अब हम फिर से अपना ये येलो कलर से फिर बनाएंगे। ये पूरी लाइन है, ये एक धागा है और ये हम पूरी लाइन येलो कलर से लास्ट तक बीन लेंगे इसे, ये देखिए। और ये हमारा एक कली बन के तैयार है कि इसी तरह से हम पूरा बीनेंगे तो हमारा ये डिजाइनदार डोरमेट बहुत अच्छा तैयार होगा। ये देखिए हमने पूरा लास्ट तक बीनेंगे। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ये देखिए मैंने ये पूरा लास्ट तक बीन लिया। अब मैं फिर से सीधी सिलाई पूरी वैसे बीन लूँगी जैसी है हमारी पूरी, इसको फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे, बीनेंगे नहीं और इसको इसी तरफ से खींच के ऐसे टाइट करके बीन लेंगे, इससे हमारा बीच का सर्कल बहुत छोटा बनता है और डिजाइन भी डिस्टर्ब नहीं होती है। ये देखिए इस तरह से हम पूरा बना लेंगे। अब मैं पूरी लाइन बीन के दिखाती हूँ, ये देखिए हमने पूरा एक लाइन पूरी येलो से बीन ली। अब हम फिर से अब उल्टी सिलाई में आ गए, ये फंदा उतारेंगे ऐसे घुमा के ले लेंगे, अब पूरा ये बीन लेंगे। अब यहाँ से हमारी अब ये दूसरी कली स्टार्ट हो रही है, सेम उसी तरह से हमने एक लाइन येलो की बीन ली थी जैसे हमने फंदे डाले थे, सेम उसी तरह से अब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे तो हमारा ये डिजाइनदार डोर। अब हम इस सिलाई में दो फंदे छोड़ देंगे और यहाँ से घुमा के ले लेंगे और ये फिर से उसी तरह से अब हम बार बार रिपीट करेंगे और हमारा ये पूरा डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए हमारी एक कली तैयार है, ये देखिए हमारा ये मैंने काफ़ी बना लिए हैं और ये हमारा डोरमेट बन गया है। मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाती हूँ, इसे बहुत ही खूबसूरत डोर है और बहुत ही सिंपल है, आसानी से हर कोई बना लेगा। ये देखिए हमने दो फंदे, अभी हमें चार फंदे छूट गए और इधर से घुमा के फिर हमने ये देखिए, ये देखिए हमारा ये डोरमेट इस तरह से लाइनिंग दार तैयार हो गया। अब इसी तरह से पूरा बन जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। नमस्कार।